स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आदिल अमानत बैंक के ग्राहकों की हड़ताल, कब मिलेगा इंसाफ की लगाई फरियाद। बच्चों की शादी, पढ़ाई, बिजनेस और बुरे वक्त के लिए बचाकर रखी मेहनत की कमाई इस आदिल अमानत बैंक में अमानत के तौर पर रखी गई थी। पिछले कई महीनों से बैंक में गोलमाल और हेराफेरी के आरोप के चलते बैंक इन दिनों बुरे दौर से गुजर रहा है। यहाँ पर लाखों से रखे लोगों के रुपयों की अमानत को देने के लिए बैंक रोज एक नया बहाना बनाकर इन परेशान लोगों को और परेशान कर रही है। कहा, ग्राहकों ने खुद का रुपया खुद को लेने के लिए इन्हें हड़ताल, इंसाफ के लिए फरियाद, कभी बैंक के जिम्मेदारों तो कभी डीसी ऑफिस तो कभी लोकायुक्त के बाहर अपना रुपया पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है इन ग्राहकों को, जिसमें बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं और नौजवान जिसने रखा है बैंक में रुपया, सब हैं हैरान। अगर जल्द इनका रुपया नहीं मिला तो करेंगे बड़ा आंदोलन की चेतावनी की बातें और बैंक कर्मचारियों के खिलाफ बढ़ के। बैंक ग्राहक, आप भी देखिए इनकी फरियाद और पुकार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं मोहम्मद शफी महाबरी। अब 2 साल से तो हम ये बैंक को फिर रहे हैं, ऐसा तो इन्होंने सब जने जो है, सब मेमरा जो है, जब पैसे देने के जहाँ पर आते हैं सबके सब रेट भाते हैं जाने के वास्ते। जब हमें आए बोलो तो बैंक में इनका पता च नहीं है यहाँ क्या भी, और इनको फ़ोन लगा रहे हैं, फ़ोन उठा रहे नहीं, और इतने दिन से जो है सब लोग तकलीफ में ये कर रहे हैं। अब अल्टीमेटम भी लास्ट अल्टीमेटम देते हैं हमें अब कि तुम्हारे घर तक आते हैं हमें। अब ऐसा है यहाँ बैठे तो तुम्हें क्या आने वाले नहीं क्या, नहीं और इज्जत के लोग आने हैं तुम्हें। हमें बाइज्जत रो को जो है या आदिल अमानत नाम ले को जो है समझ को हमें यहाँ अमानत में खयानत नहीं होता बोल को हमें आ को यहाँ ये करे, और तुम्हें है तो इसमें बहुत बड़ी खयानत करे। और लोग क्या दूसरा क्या ने तुम्हें डायरेक्टर है, चेयरमैन है, इन्होंने पैसे बांट लिए। अब क्या बूम मार रहा है ना, सब जने बैठ को हमें सब जने मिला को। अब मेरी अमाउंट जो है बच्ची के नाम से एफडी रखे सो पैसे, अब बच्ची की शादी है हमारी, मेरे अकेले की नहीं, बाकी सब जने के बच्चा शादा का प्रॉब्लम है, ज़्यादा क्या भी नहीं है। और ऐसा रहे तो पैसे क्या रखते थे, अब ऐसा वक्त है ऐसे टाइम तुम्हें पैसे नहीं दे तो कब देने वाले, नहीं तो कहाँ रोड पर मिलते वहाँ पकड़ दूँ देखो तुम ना को। मैं इंडिविजुअल इस बात कर रहा हूँ मैं, आप डायरेक्ट तुम ना को डायरेक्टर्स चेयरमैन जो भी हैं ये धमकी नहीं, और सीधा सीधा जो बोलते हो करते हो क्या साहब। अभी आपको जो पूरी आपकी पूरी अमाउंट देने की बात की गई है या इंस्टॉलमेंट देने की बात की गई है? इंस्टॉलमेंट हफ्ता 10-10 हज़ार देने की बात कर रहे थे, वो भी नहीं, ये भी नहीं, क्या भी नहीं चने। अब बैंक को आए टाइम हमने एक लिस्ट मिला है यहाँ घरों को जो है निलाव करे सो 18 से 30 है ये टोटल, उसके अंदर एक 17 के 18 निलाव करे नो, और निलाव करे के बाद में उसका अमाउंट कहाँ गया, वो अमाउंट क्या हुआ, कौन पूछने वाले इनको। सलाम अलैकुम चेयरमैन साहब, आपको मैं कल भी मुलाकात तो हूँ, कल भी बात हुई तुम्हारी हमारी, लेकिन मेरे पाँव चलने के काबिल नहीं है, मैं बिल्कुल वीकनेस हूँ और मुझे बहुत मुश्किल पड़ रही। मेरे बच्चों के शादियाँ हैं, 2 बच्चे, वो भी 35 है 40 साल के बच्चे, 45 साल के, अब उनकी शादियाँ करना है और घर में जचकी हुई, सबके खर्चे अखराज बढ़ को चुके, हम ना को झूठ बातें चल रही नहीं, तुम्हारे झूठी बात हर एक चलती नहीं, अब तुम ना हमारे जब तक पैसे नहीं देते तब थोड़ी हमारी बात चलती नहीं, अब कैसा करते हैं, हम ना को जवाब दो ये बात को। क्या काम करते हैं आप? हमें भजी का व्यापार, हर एक शान शान फिर को लाखों बैंक को जमा करें पैसे, इन सब हराजमेंट कर को सब नमस्ते तकलीफ दे रही। कितने पैसे हैं आपके? 5 लाख। क्या बोल रहे हैं बैंक वाले? नहीं दे तू खाली हवा बोलते हैं, 4 तारीख का देते चली नो, कुछ तारीख फिक्स नहीं, इनके बातों फिक्स नहीं। अभी आज सुबह कितने बजे आए आप यहाँ? 10 बजे हूँ मैं। अब क्या बोल रहे हैं ना? ये यथेच बात चली, हाई चली, अब क्या बोलूँ मैं इनू, रात कुछ बात करूँगा, बात ही नहीं करते इन, घर हम भाई कुछ बात करते हैं, इनको क्या करना, हमारे पैसे कैसा सुनो ना, कहीं के घर घर पहुँच को क्या है, पैसे लगा जमा कर रहे इन, पैसे देने को तैयार नहीं। नाम बोलो। नाम मोहम्मद ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पैसे 1 लाख रुपए हैं और बच्चों के एजुकेशन के वास्ते होना, अभी तक दिए नहीं उन्होंने क्या, अभी ऐसे बुलाते हैं और भेजते हैं, बुलाते हैं भेजते हैं, इसके बाद क्या करना आप उन्होंने आपको खुद बोलना। अब हमें सुबह 9-10 बजे से आग बैठे, क्या बोल रहे बैंक वाले? बोलते हैं आ जाओ कल आओ, आ जाओ कल आओ,
फिर ऐसे कितने बार फिर आते बैठते हो ना, हाँ उनको वही पूछना है तो उन्होंने आ रहे भी नहीं, फ़ोन भी नहीं उठा रहे, क्या करना ऐसा करे बोले तो। अभी बच्चों को एजुकेशन के वास्ते पैसा होना, फिर कैसा करना अभी, अभी शादी है बच्चों की भी। अस्सलाम वालेकुम, बैंक में 5 लाख रुपए रखी थी मैं आदिलाबाद बैंक के अंदर। हमारे सास के शोहर रह रहे थे कि राकेश हूँ मैं, हमारे सास की तबीयत आराम नहीं है, पैसे दियो बोले तो बार बार फिरा रहे हो, 2 साल से फिरा रहे हो ना। बैंक में मेरे 63,000 रुपये, उसमें परसों दी 10,000, उसके बाद में पीछे फिरा रहे हैं, फज्जे रहो शाम में हो, कोई निकला भी फ़ोन उठाता नहीं, मेंबर है अकेला भी यहाँ सीधा बात करने वाला नहीं है। इन्होंने दिए तो पैसे मेरे बेटा ने नहीं किया भी नहीं, महीते करके पैसे यहाँ लगा करके आता मैं, मेरे पास रहे तो खर्चा होता गर्भ को, वो सुधा नहीं दे रहे, मौत क्या बोल काती है आज मेरे अगर बोल कौन करना, भीख मंगना लोग आई जी के मेरे पैसे अभी होना सदे। अभी आज आपको पैसे दे दूँ करके इतना कौन दिए थे माशा कर सुना है, बैंक में बताते थे फोन लगे थे नहीं, यहाँ यहाँ जाक बोल गए थे भूत के दिन आओ कर बोल को पीर भी नहीं भूत के आगे तो भूत भी नहीं आज अभी तक फोन उठा रही नहीं फोन है। बैंक वाले क्या बोल रहे हैं आज, बैंक वाले क्या बोल रहे हैं, हमें क्या करें, मैनेजर ही नहीं है तो मैनेजर को पूछो जा को कर रहे हैं। आपका नाम महीनुद्दीन, क्या करें हमारे पैसे गए साल के SBI अकाउंट के पैसे देखो अभी थोड़ी दिए नहीं, कल आया था, कल आने के बाद में मैनेजर क्या बोले सुबह आओ कर बोले, सुबह आए कल तुम्हें बैठे थे ना तुमने बोल को गया मैं जैसे करते मैनेजर भी वो छे डायरेक्टर भी वो छे। क्या तुम्हारा नाम है अब्दुल, कितने पैसे हैं तुम्हारे, हमारे बहुत हैं 1,35,000 रुपए हैं, डिपॉजिट अब 28 महीने देना वो भी नहीं, ये SBI अकाउंट के पैसे भी नहीं। SBI अकाउंट में कितने हैं, SBI अकाउंट में 5,000 रखते हैं अभी थोड़े हैं कल। अस्सलाम वालेकुम, मैं जाकिर हुसैन हूँ, हमें एक्चुअली आज आदिलाबाद बैंक को गए थे, सब जो जमा हुई आज सबके पैसे में पे अटके हैं यहाँ पे, किसको भी दे रहे नहीं है, हमारे 2-4 साल हुआ तो वजह से हमें वहाँ पे एक मनी पत्र भी दिए हैं इनको, और बहुत सारे जईफ हैं और रोज़ का धंधा करके खाने वाले पैसे जमा करे वाले हैं, 5-5, 6-6 लाख रुपये एक लें के हैं वहाँ पर, करोड़ों में व्यवहार हुए, एक लें को भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं है ये लोग। तो वहाँ से हमें अभी बैंक से लेकर हमें एक लोकायुक्त ऑफिस तक आको, लोकायुक्त ऑफिस और हमारे इंस्पेक्टर साहब को कमिश्नर साहब को मिल के हमें उनको भी मनवी कराएं, अब हमें नेक्स्ट हमें एयर ऑफिस को और DC ऑफिस को भी हमें कंप्लेंट करने वाले हैं, और मैक्सिमम पूरे डायरेक्टर्स और चेयरमैन के नाम पे भी हमें कंप्लेंट्स करना करके हमें पूरे यहाँ पे जितने भी बैंक के होल्डर्स हैं ये लोगों का सबका राय है कि हमें हमारे को जो भी है हमारा जितना भी रकम है हमारे को मिलना चाहिए सबको, मैं इतना बोल के मेरे टोटल कितने लोग हैं तो आप अभी हैं आए सो नहीं टोटल कितने जो टोटल है ना हज़ारों में मैं अकाउंट हैं, और मैक्सिमम सबके रिटायर्ड बेस वाले पैसे हैं, जो बिजनेस जो कर रहे हैं डेली का बिजनेस कर रहे हैं रोज़ भी 1,000-1,200 जो जमा कर रहे हैं इनके लोगों के पैसे जमा हुए हैं यहाँ पे, पीछे जो आप पूरे बैंक थे रहे हैं यहाँ पे ये लोगों के पैसे बहुत सारे जमा हुए हैं यहाँ पे, तो किसी को भी देने के लिए तैयार नहीं, खाली फिरा रहे हैं 2 साल से, और किसका भी नंबर देते हैं उनको बात करो कर बोलते हैं, वहाँ पे इनामदार साहब कर को बोलते हैं, कोई भी मैनेजर हैं कर बोलते हैं, उन्होंने तो हमारे साथ मुलाकात होती नहीं क्या नहीं, और ऑलरेडी उन्होंने उनको फ़ोन कर रहे तो मैं 2 साल वहाँ मैं रिटायर्ड हुआ हूँ मेरा कुछ भी नहीं है वहाँ पे करके उन्होंने बोलते हैं, और ऑफिस स्टाफ को बोले रहे तो ऑफिस स्टाफ कुछ भी लगा ले रहे हैं वहाँ पे, तुम्हें जो डायरेक्टर को मिलो जो चेयरमैन को मिलो उन कुछ बोलो मैनेजर को मिलो करके ऐसा ही बात कर रहे हैं, आज हमें वहाँ पे भी 1-1.5 घंटा हमें टाइम निकाले वहाँ पे निकाल के पूरे के पूरे जने वहाँ पे ठहरे थे, किसी को भी कुछ भी खबर तक नहीं दे रहे हैं उन्हों, और चुप आगे बैठ रहे हैं बैंक में जा रहे हैं। अब आगे क्या करना है, आगे हमें एयर ऑफिस जाने वाले हैं, DC ऑफिस को जाने वाले हैं, लोकायुक्त ऑफिसर बोले कि मेरे यहाँ से जो भी होता है मैं करता हूँ और आप इंडिविजुअल जाके कंप्लेंट्स करो करके बोल रहे हैं। आपका नाम, मेरा नाम जाकिर हुसैन जूनागढ़ है, मेरा भी अकाउंट वहाँ पे है। आदिलाबाद बैंक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बीजापुर में बहुत पुरानी बैंक, इसके 3 ब्रांचेस हैं टोटल, एक मेन ब्रांच है, एक बड़ी कमान की, एक जोरापुर की, एक 5-6 साल से ये बड़ी कमान की ब्रांच है, मेन ब्रांच है, और जोरापुर ब्रांच में क्या हुआ थोड़ा जो है नहीं पैसे हमें रखे तो लेने गए तो ज़रा लेट होने का शुरू हुआ, थोड़े दिन निकाले थोड़े दिन हों जो है नहीं कंटिन्यू करे, लेकिन इधर इधर 2-3 साल हो गया कि हमारे FD हमें रखे तो हमारा वापस देने को आते हैं, बहुत जो है नहीं
आगे पीछे कर रहे हैं। अभी तो एक दो साल से हमारे पैसे रखे सोच हमारा देने का बंद करें, खास कर को जो है नी गरीब बच्चे हैं जो कि शादी करते हैं उन्हें जमा करे थे, उनके पास एक लेडीज़ का जो है नी शादी की एक स्कीम थी उसमें बहुत जने पैसे रखे थे, FD रखे थे, SB अकाउंट रखे थे, पैसे देने तैयार नहीं। बाद में क्या है वो जाको पूछे तो नहीं हमें घरा नीलाम को निकाल रहे हैं, वो नीलाम के पैसे व्हाट्सअप के हमें पैसे देता ही कर को बोले, वो घरा नीलाम को निकालते ही निकाले दिन हमें घरा गिरा लेने गए कर बोले तो एडजस्ट करको नीलाम भी जो है नहीं वो ये नहीं पूरा हुआ करको बोलते हैं। बाद में क्या करते हैं महीने दो महीने के एक बार क्या तो भीख दिया था एक 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये एक 10-15 जने एक देखो खलास हुए करको बोल छोड़ते हैं। अब वो एक औरत बेचारी पाप ज़ईफ़ है उन्हें मुद्दे बेड़े से जो है नहीं आती पैसे लेने, मुद्दे बेड़े से यहाँ आना उसका जाना और उसकी तकलीफ क्या है एहसास नहीं ऐसा। एक और एक बच्चे उसकी शादी जो है नहीं उन्होंने पैसे नहीं देने को रुकनी बैठी तो ये लोग नहीं दे रहे, आज बहुत बेचारा को आज उन्होंने पैसे देते हैं आओ कर बोलने को सब जने जमा हुए थे आज भी पैसे नहीं है कर बोलने को सब जने एकजुट होकर एक SP ऑफिस में लोकायुक्त में अप्लीकेशन दिए एक DC ऑफिस को देते हैं एक AR को देते हैं कि तुम्हें जो है नहीं इसका क्या तुम्हें जो है नहीं हमारा जो है नहीं पैसे दिलाने का तुम्हें जो है नहीं गवर्नमेंट की तरफ से जो है नहीं हेल्प करो की कर बोले तो ये बैंक तो नहीं सोसाइटी है फिर भी ये भी जो है नहीं वो DCC बैंक के अंडर में चाह रही थी DCC बैंक में भी इसके जो इनका जो है नहीं कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है तो गवर्नमेंट का भी इसमें रोल है कि नहीं कर को नहीं है तो हमें DC साहब से AR को और मनवी कर रहे हैं कि हमारे पैसे दिलाने को आते जो भी सरकार से मदद होती दें। सिद्धरामैया साहब DK शिवकुमार साहब माइनॉरिटीज़ को हर लिहाज से हेल्प कर रहे हैं ये इसमें भी 95% मुसलमान चाहिए हमारे खुद के पैसे हमारा दिलाने CM साहब और शिवकुमार साहब और हमारे हमीद मुशरिफ साहब हमारी हेल्प करेंगे बोल को एक उम्मीद हमें जो है नहीं ले को ये जो है नहीं आज एक मेमोरेंडम यहाँ एक दे रहे हैं DC ऑफिस में भी देता है। मेरा नाम जाकिर हुसैन सुरखी बीजापुर से। देखो मैं गरीब नहीं वासी यहाँ को आता हूँ मुझे 6 महीने हुआ मुझे पैसे एक पैसा नहीं दे रहे 2 लाख रखे सो मैं कितने दिन गाड़ी खर्चा भाग फिर के लगाना मेरा खाना क्या मेरा दर्द क्या दुख क्या मैं शुगर BP वाली हूँ उसके लिए मुझे आते पैसे करको रखे सो सिरपा दे मेरी अब मुझे आज लगन भी दिए नहीं उन्होंने पैसे कल लाओ परसों आओ कर एक महीने में तो भाई 10 बार आ गई हूँ अब ये 3 दिन हुआ अब एक सार का फिर खेल रहा हूँ अब इतनी भी मैं क्या बोलूँ दस अब हजरत भी मकानदार। और खबरों के लिए देखते रहिए B News Nation। ऐसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्त में ग्लाइडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है भूरा होकर निकल जाएगा जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहाँ पर ये दवा काम करती है।